एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या हम अपने टैक्सेस टैक्सेस बचा सकते हैं कैन वी सेव सम मनी फ्रॉम और उस केस में ये बेनिफिट होगा कि आपके जो 50% परसेंट गेंस है उस पर तो अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो कभी भी एज ए नेट उसको टैक्स में फाइल ना करो हाँ जी क्या हाल है होपफुली सारे बढ़िया होंगे तो ये वीडियो हिंदी में होगी उसका रीजन ये है क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही थी लाइक लैंग्वेज बैरियर था उनके लिए तो इसीलिए मैं ये वीडियो हिंदी में शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई इस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को मिस आउट करे तो इस वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ट्रेडिंग पर इन्वेस्टिंग पर टैक्सेशन कितनी होती है कैनेडा में तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना आपको आइडिया हो जाएगा कि टैक्सेशन कैनेडा में जो ट्रेडिंग पर है इन्वेस्टिंग पर है वो किस तरीके से अप्लाई होती है आपको अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस होंगे नीचे एक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर डी कर देना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ या मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं हूँ इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसी तरीके से होगी कि टैक्सेशन मेरे ऊपर कैसे अप्लाई होती है टैक्सेशन हर एक इंडिविजुअल पर अलग तरह से अप्लाई होगी डिपेंड करता है कि आप फुल टाइम ट्रेडर हैं या आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है ट्रेडिंग की आप साथ में फुल टाइम स्टूडेंट हैं फुल टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर अगर कोई डिसेबिलिटी पर है जो डिसेबिलिटी की बेनिफिट्स ले रहा है तो उस पर जो है टैक्सेशन वो है अलग से अप्लाई होगी सो so, कहने का मतलब यही है इस वीडियो में मैं जो बेसिक है वही शेयर करूंगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप सी आर कांटेक्ट करिए या फिर किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट की सलाह लें पहले हम वो दो तरीके देखते हैं जिनके थ्रू जो टैक्सेशन है वो ट्रेडिंग पर अप्लाई होती है सो so, पहला तरीका है नेट गेंस सो so, नेट गेंस में अगर आप टैक्स फाइल करते हो तो उस पर आपका सिर्फ 50 परसेंट जो नेट गेंस है उन पर टैक्स लगेगा बाकी परसेंट पर टैक्स नहीं लगेगा सो so, इसकी एग्जांपल देता हूँ लेट्स से कि आपने एक साल में दस हजार डॉलर ट्रेडिंग से कमाया एज प्रॉफिट तो हमें इसमें एक डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाता है कि अगर आप उसको एज नेट गेंस फाइल कर रहे हैं तो आपको 50% जो है वो टैक्स फ्री मिल जाएगा मतलब अगर आपने 10,000 कमाया है तो पाँच हज़ार में टैक्स लगेगा और जो पाँच हज़ार है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा और दूसरा तरीका है एज़ बिज़नेस इनकम सो so अगर आप ट्रेडिंग में टैक्स फाइल कर रहे हैं एज़ बिज़नेस इनकम तो उसमें उसी हिसाब से टैक्सेशन होगी जो एक नॉर्मल बिज़नेस में होती है और वो डिपेंड करती है कि आपने कितनी अमाउंट उससे बनाई है और उसी हिसाब से अगर कम अमाउंट है तो कम टैक्सेशन होगी अगर ज़्यादा अमाउंट है तो ज़्यादा टैक्सेशन होगी तो वो अमाउंट के हिसाब से 20 परसेंट टैक्स भी उस पर लग सकता है या फिर 40 परसेंट भी लग सकता है वो डिपेंड करता है आपने कितनी अमाउंट कमाई है उसमें से अब उन फैक्टर्स को देखते हैं जिन पर टैक्सेशन डिपेंड करती है सो so बेसिकली कहने का मतलब कि ये जो फैक्टर है वो आप पर किस तरीके से अप्लाई हो रहा है उसी हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा पहला फैक्टर है फ्रीकवेंसी ऑफ ट्रेडिंग बेसिकली इसमें यही है कि आप दिन में ट्रेड कर रहे हैं या आप हफ्ते में ट्रेड कर रहे हैं या महीने में ट्रेड कर रहे हैं या आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं देखो अगर आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है मतलब आप डेली ट्रेड कर रहे हैं आप रोज के तीन चार ट्रेड या दस ट्रेड ले रहे हो जैसे मैं प्रोफेशनल फुल टाइम ट्रेडर हूं तो मैं दिन के पांच सात ट्रेड लेता हूं कभी कभार दस भी हो जाते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैं उसको नेट गेन्स में फाइल नहीं कर सकता सो so, उसी तरीके से अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इस केस में क्या होता है सी उसको नेट गेन्स कंसिडर नहीं करती है वो करती है आपकी एज अ बिजनेस इनकम तो इसका मतलब यही है कि जो 50% परसेंट टैक्स फ्री का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा तो इसमें ध्यान रखने वाली चीज यही है कि अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो कभी भी एज अ नेट गेंस उसको टैक्स में फाइल ना करो उसको हमेशा एज अ बिजनेस इनकम शो करो आप डेली ट्रेड कर रहे हो और आपने एज अ नेट गेंस उसको फाइल कर दिया तो इस केस में सीआरए क्या कर सकता है वो रीअसेसमेंट के लिए आपकी फाइल जो है वो बेच सकता है और आपको कहेगा कि इसको एज नेट गेंस आप नहीं फाइल कर सकते ये आपकी बिजनेस इनकम है सो इससे यही कंक्लूड होता है कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आप डेली ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसको नेट गेंस का जो बेनिफिट है 50 परसेंट टैक्स फ्री का वो नहीं ले सकते और अगर आपकी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कम है मतलब आप हफ्ते में एक आधा ट्रेड ले रहे हो आप महीने में दो तीन ट्रेड ले रहे हो तो उस केस में आप एज नेट गेंस फाइल कर सकते हो और गवर्नमेंट को उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और उस केस में यह बेनिफिट होगा कि आपके जो 50 परसेंट गेंज है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा मतलब अगर आपने दस हज़ार डॉलर बनाया 5000 पे टैक्स लगेगा 5000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा अब देखते हैं दूसरा फैक्टर जो है साइड इनकम सो ये डिपेंड करता है कि आप साथ में कोई फुल टाइम जॉब कर रहे हो या आप फुल टाइम स्टूडेंट हो या फिर आपका कोई साइड बिजनेस है सो so, आपकी जितनी भी साइड इनकम होगी उस हिसाब से आप पर टैक्सेशन जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है और इस केस में हमें ये तो पता है कि हमारी जितनी इनकम है उतना ज़्यादा टैक्स लगता है जितनी हमारी बिजनेस अर्निंग्स है उसमें उतना ज़्यादा टैक्स लगता है अब तीसरा फैक्टर आता है कि आप मार्केट में कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड होता है आपकी ट्रेडिंग आपकी मार्केट uh, की जो एनालिसिस है आप प्री मार्केट को जो न्यूज़ पढ़ रहे हो आप उसके बाद आप अपने ट्रेड uh, जो है रिकॉर्ड कर रहे हो उसके बाद आप जब आफ़्टर मार्केट आवर्स हैं उनको एनालाइज कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं आपके टैक्सेशन पर अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हो आप इंटर ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम मार्केट में स्पेंड करना पड़ेगा आपको ट्रेड्स अपने प्रिपेयर कर करने पड़ेंगे उसके बाद ट्रेड्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे मार्केट को प्री मार्केट में एनालाइज करना पड़ेगा न्यूज़ पढ़नी पड़ेंगी लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो या स्विंग ट्रेडर हो तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस शीट पढ़ेंगे या एक आदि मेजर न्यूज़ पढ़ेंगे और आप जो है हफ्ते में लेट सपोज आप तीन चार घंटे भी अगर दोगे तो आपका जो सही चल सक लेकिन इंटरडे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट ये देखती है कि आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो जितना आप उसमें टाइम स्पेंड कर रहे हो उतना ही वो आपका एज अ बिजनेस बनता जाता है तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि इन्वेस्टिंग में टैक्सेशन अलग होती है या स्विंग ट्रेडिंग में अलग होती है और जो इंट्राडे ट्रेडिंग है जो आप डेली ट्रेड करते हो उसमें टैक्सेशन अलग होती है वो आपका बिजनेस कंसिडर होता है और ये वाला हिस्सा जो आपके नेट गेन्स हैं वो कंसिडर होते हैं इसीलिए मैं कहता हूँ जो आपकी टैक्स स्लिप्स मिलती हैं ब्रोकर से वो आप किसी प्रोफेशनल अकाउंटेंट के पास लेके जाएं और उसी से ही टैक्स फाइल करवाएं इसमें एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपने लॉस जो है वो सी से क्लेम कर सकते हैं और इसका आंसर है येस आप सी से जब टैक्स फाइल करते हैं तो आप अपने लॉस जो है वो किसी सर्टन अमाउंट तक पर uh, ईयर शायद कुछ होता है मैं श्योर नहीं उसके बारे में लेकिन आप कर सकते हो लॉस क्लेम वो एग्जैक्टली exactly कितनी परसेंटेज है या कितनी अमाउंट है वो अपने अकाउंटेंट से आप पूछ सकते हैं सी से पूछ सकते हैं लेकिन ये श्योर है कि आप लॉस क्लेम कर सकते हो लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक रूल आता है सुपरफिशियल लॉस रूल अब इसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और ये ध्यान से सुनना इसमें एग्जांपल देता हूं लेट्स सपोज आपने एप्पल का शेयर बाय किया था जिसका प्राइस था 150 फिफ्टी आपने 100 शेयर बाय किए थे और वो प्राइस गिरते गिरते आ गया 140 पर दो हफ्ते बाद वो स्टॉक 140 पर जब आया तो आपने बेच दिया बेसिकली आपने वो लॉस में बेचा कितना लॉस हुआ अराउंड वन थाउजेंड डॉलर्स अब देखो इसमें एक चीज़ है आप डेफिनेटली वो लॉस क्लेम कर सकते हो लेकिन अगर आपने वही स्टॉक थर्टी डेज़ के अंदर अंदर वो वापस खरीद लिया ले सपोज वो 130 पर आ गया और आपने सोचा कि अब ये नीचे आ गया फिर ऊपर जाएगा तो मैं ख़रीद लेता हूँ अगर आपने बेचने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर वापस खरीद लिया तो आप लॉस अपना क्लेम नहीं कर सकते इसको कहते हैं सुपरफिशियल लॉस रूल ये कनाडा में अप्लाई होता है ट्रेडिंग में भी होता है इन्वेस्टिंग में भी होता है कहने का मतलब अगर आपने किसी स्टॉक में या किसी सिक्योरिटी में किसी म्यूचुअल uh, फंड्स में आपको किसी भी तरीके से लॉस हुआ है उसी उसी सिक्योरिटी में वापस इन्वेस्ट ना करें थर्टी डेज में उसके बाद चाहे कर सकते हो लेकिन अगर आपने थर्टी डेज के अंदर अंदर उसमें री इन्वेस्ट किया आप इन एलिजिबल हो जाएंगे उस लॉस को क्लेम करने में एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या हम अपने टैक्सेस बचा सकते हैं कैन वी सेव सम मनी फ्रॉम टैक्सेस और उसका आंसर है येस लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है आप तभी कर सकते हो अगर आप रेगुलर बेसिस पर आप बड़े लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हो आपका अकाउंट साइज है आपके प्रॉफिट्स बढ़े हैं आप सिर्फ तभी कर सकते हो कनाडा में हम टैक्सेस बचा सकते हैं वो कैसे कि हम अपने एक्सपेंसेस राइट ऑफ करें और उसके लिए आपको एक बिजनेस रजिस्टर करना पड़ता है आपको एक कंपनी खुलवानी पड़ती है तो आप चाहे किसी भी प्रोविंस में रह रहे हैं आप अपना बिजनेस रजिस्टर करवा के उसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ सो so मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी है सो so जो भी मैं शॉपिंग करता हूँ जैसे मैं लेट्स uh, से मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन बाय की या मैंने कोई कंप्यूटर का पार्ट लिया तो वो सब मैं एक्सपेंसिस में शो करके उसको क्लेम कर सकता हूँ लेकिन एज अ बिगिनर या फ्रेश ट्रेडर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आपने अभी ट्रेडिंग शुरू की है तो बिजनेस मत खुलवाएं। उसका रीजन ये है क्योंकि बिजनेस जब आप खुलवाते हैं तो उसके अपने एक्सपेंसेस होते हैं फॉर एग्जांपल आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अकाउंटेंट को पे करना पड़ता है प्लस आपको जो है गवर्नमेंट को भी पे करना पड़ता है सो लेट सपोज अगर आपने कोई बिजनेस ओपन करवाया उसके इनिशियली आपको अराउंड हजार डॉलर है वो देने पड़ेंगे उसके बाद आपको बुक कीपिंग के लिए या फिर अगर आप पेरोल उसमें से निकाल रहे हो तब भी आपको अकाउंटेंट को पे करना पड़ता है कभी कभार उनके साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट ईयरली या मंथली साइन करना पड़ सकता है तो इसी वजह से आपके जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाते हैं तो अगर आप बेसिक लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हो बहुत छोटे लेवल पर कर रहे हो या इवन मीडियम साइज भी है आपके तभी आप इंडिविजुअल लेवल पर ही ट्रेडिंग करें उसके लिए बिजनेस रजिस्टर ना करवाएं क्योंकि जितना आप बचाएंगे उससे ज्यादा आप खर्च देंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा लेकिन ये बताना मेरा फर्ज था कि हम टैक्सेस कैसे बचा सकते हैं अगर आप बहुत बड़े लेवल पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो इंडिविजुअल लेवल पर मत करो तभी बिजनेस रजिस्टर करवा लो लेकिन अगर आपने स्टार्ट किया है या आप उतना प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर आपका अकाउंट साइज बड़ा नहीं है लेकिन प्रॉफिटेबल है तो रजिस्टर मत करवाएं क्योंकि उसके अपने एक्सपेंसिज हैं सो बेसिकली यही फैक्टर्स थे जिन पर डिपेंड करती है टैक्सेशन ट्रेडिंग में कितनी लगेगी सो so, हर एक इंडिविजुअल पर वो अलग तरीके से अप्लाई होती है ये आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी लेकिन वो आपके केस में कितनी टैक्सेशन होगी वो आप किसी अकाउंटेंट से पूछें या सी आर ए से आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करके आप पूछ सकते हैं कितनी अमाउंट है वो आपको क्लियर कट बता देंगे इससे एक चीज़ ज़रूर क्लियर होगी कि हम सोचते हैं फिफ्टी परसेंट जो टैक्सेशन अप्लाई होती है ट्रेडिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप हाँ बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा इनकम कमा रहे हो लेट सपोज़ आप दो लाख डॉलर या चार लाख डॉलर पाँच लाख डॉलर तक कमा रहे हो तो ऑब्वियसली टैक्सेशन उतनी जा सकती है लाइक फोटी फोर्टी फाइव परसेंट इवन फोर्टी एट परसेंट तक भी जा सकती है लेकिन अगर आप इतनी फ्रीक्वेंटली ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो आप इतने प्रॉफिट्स नहीं बना रहे हो आपने दस हज़ार बीस हज़ार तीस हज़ार ही बनाया तो उस पर 50 परसेंट नहीं लगेगी होपफुली ये इनफॉर्मेशन आपको काफ़ी आगे जाके हेल्प करेगी और आपको क्लियर आइडिया भी हो गया होगा कि कैसे टैक्सेस अप्लाई होते हैं ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टिंग पर इसी चैनल पर और भी वीडियोज़ आती रहेंगी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक like करें वीडियो को और नीचे कमेंट में आप अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन भी कोई पूछ सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज़रूर फॉलो करें मेरी दोनों पर आईडी है द पंजाबी ट्रेडर और कोई भी क्वेश्चन है मुझे डीएम करें इंस्टाग्राम पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में